छोटी काशी मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के काम को शीघ्र शुरू करने तथा स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की मांग को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई द्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तीसरे दिन प्रोफेसर राकेश कपूर ने भी विद्यार्थी परिषद के इस अभियान को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कार्य शीघ्र शुरू करना चाहिए तथा यहां स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक दीक्षित पठानिया ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए गए इस अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं डॉक्टर राकेश कपूर, पूर्व प्राचार्य एवं शिक्षाविद, और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कार्य से भी प्रारंभ से ही जो है वो जुड़ा रहा हूँ। इसके लिए जो DPR बनाई गई, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई और जिसको प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने एक्सेप्ट किया और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ मंडी में प्रारंभ हुई, तो उस चीज़ के लिए जो है हम धन्यवादी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कि उन्होंने हिमाचल राज्य के लिए जो है इस प्रकार का विश्वविद्यालय जो है वो मंजूर किया। और हमारे इस विश्वविद्यालय में जो कक्षाएं हैं वो शीघ्रातिशीघ्र जो हैं वो चलनी चाहिए। और जैसा कि हमने DPR में भी कहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हैं वो बाकी विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं। अगर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को हम यहाँ चलाते हैं, जैसा कि रूसा के अंतर्गत जो कंपोनेंट 2 है रूसा का, उसमें जो रिक्वायर्ड है वो उसके मुताबिक भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज की वो शुरू करने की बात की गई है और DPR में भी हमने उनको प्रदर्शित किया है। वो शीघ्रातिशीघ्र जो हैं उस प्रकार के कोर्सेज शुरू होने चाहिए। और जिस प्रकार से ये पेंडेमिक COVID-19 आया है तो उसने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसमें भी शिक्षा का प्रारूप जो है वो आने वाले समय में बदलेगा और बहुत से जो हमारे विषय हैं उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। और दूसरा, प्रौद्योगिकी जो है उसका एक अपना रोल है और प्रौद्योगिकी जो है वो सभी विषयों में अपना कहीं ना कहीं दखल देने जा रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डाटा एनालिटिक्स है, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो अगर इस प्रकार के कोर्सेज हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी में शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये दुर्गम एक तरह से क्षेत्र है उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो है वो घर द्वार पर शिक्षा, एक उच्च स्तर की शिक्षा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और औद्योगिक ओरिएंटेड शिक्षा जो है वो घर द्वार पर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी का धन्यवाद।